शासकीय महाविद्यालय उचेहरा में हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्राचार्य डॉक्टर अनुराग वर्धन पांडे रहे। अध्यक्षता भारतीय स्टेट बैंक उचेहरा के मैनेजर प्रीतेश शर्मा ने की। इस दौरान कॉलेज के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी। प्रशासक डॉक्टर अनुराग वर्धन ने अपने उद्बोधन में कहा कि हिंदी को राजभाषा बनाया गया। उन्होंने कहा कि हिंदी हर भारतीय के माथे की बिंदी है, इसे सजाए रखें। इस दौरान रजिस्ट्रार केपी मिश्रा ने इस मौके पर काव्य पाठ भी किया। आयोजक और विभागाध्यक्ष हिंदी डॉक्टर अरविंद तिवारी ने विस्तार से हिंदी के इतिहास के विषय में बताया और सतत इसके प्रचार प्रसार की अपील की। इस दौरान यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र प्यासी ने भी वीर रस की कविताओं का पाठ किया। महाविद्यालय में हिंदी दिवस का कार्यक्रम जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ भव्य और गरिमामय तरीके से आज मनाया जा रहा है। हमारी राजभाषा, हमारी मातृभाषा हिंदी को प्रतिस्थापित करने का ये आज सबसे बड़ा दिन है। 14 सितंबर 1953 को पहली बार जो है निर्णय लिया गया था कि हम इस दिन को प्रतिदिन हिंदी दिवस के रूप में मनाएंगे। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदी की शान को बढ़ाने के लिए, हिंदी को प्रतिस्थापित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है।